विश्व शांति स्तूपा, विश्व शांति स्तूपा है ये, आइए ना। तो दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग एंटर कर चुके हैं विश्व शांति स्तूपा में। सबसे प्राचीन बौद्ध स्मारक है ये, इसकी सबसे अच्छी बात है। अगेन इसको बनाया गया है गियर्स, बियरिंग, इलेक्ट्रिक फोर्स, नट बोल्ट और रॉड और स्प्रिंग की मदद से। देखिए कितना खूबसूरत बना दिया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसकी यहाँ पर जो गेट बना हुआ है उसके डिटेल्स हैं उन पर भी बहुत ध्यान दिया गया है। अपने आप में ये बहुत कमाल है। तो ये सारा का सारा जो मटेरियल है ये इससे बना है। आप इसकी जो डिटेल्स है उनको देखिए, आप वाकई में दंग रह जाएंगे। और शाम को आते हैं तो लाइटिंग जो मिलती है ब्रेथ टेकिंग है एकदम। जो हाथी के दांत का काम दिखाया गया है, बनाया गया है, अपने आप में सब कमाल है। पर लोगों के मास्क भी बनाया गया है, ऊपर मुक्त करते हुए पानी देते हुए, आप इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। सो ये सांची स्तूप जो वेल अपने आप में ये भी काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है। इसे बार बार इसके भी कलर चेंज हो रहे हैं। इसकी स्पेशलिटी यहाँ पे तो यही फिलहाल दिख रही है हमें क्योंकि हमें सभी जितने भी मॉन्यूमेंट्स बनाए गए सबकी कलर जो है हमेशा चेंज होते रहते हैं बार बार। और देखिए कितनी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। यहाँ से एक साइड से एंट्री कीजिए, दूसरे साइड से एग्जिट कीजिए। और ये देखिए इसका क्या नाम है, ये अच्छा ये छोटा सा बाद बनाया गया है। पता नहीं हम लोग दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं, अगर बाद दिख रहा है फोटो क्लिक कर लेता हूँ मैं इसका। तो थोड़ा सा लाइट कम था इसकी वजह से वो दिख नहीं रहा था। और ये जो पीछे सामने दिख रहा है विश्व सांची स्तूपा वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है क्योंकि लाइट काफ़ी अच्छी दिख रही है वहाँ पे। और आगे की तरफ चलते हैं। I'm walking around in the circle of life, doing the things I know, walking the same way a hundred of times. चलिए ये जो बनाया गया यहाँ पे पीछे साइड में बैठने के लिए एंड बैठते हुए सामने आप यहाँ पे जो टीवी का आ गया बंदे हो गए क्या तो बहुत बड़ा एक एलईडी लगाया गया हुआ यहाँ पे। यहाँ पे आप बैठ के उस एलईडी का मजा ले सकते हैं बिकॉज यहाँ पे ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई है, जितनी भी अच्छी चीज़ें बनाई गई है दिल्ली के जितनी दिखाई जाती है वो एक जगह से बैठ के आप सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पे आई डोंट थिंक इस फोन में आ पाएगा वो एलईडी लाइट। और एक चीज़ और दोस्तों, आप कहीं इंडिया में कहीं नहीं जाते हैं कहीं, तो कोशिश कीजिए कि इस वीडियो में जो जगह दिखाई जा रही है वहाँ पे एक बार रियल में जरूर घूम जाए। हमारी तो कोशिश यही रही कि हम जरूर जाएं। इसमें से कुछ जगह हम लोग ऑलरेडी घूम चुके हैं जो दिल्ली विल्ली आगरा वगैरह में आसपास हैं, बाकी की जगह पे जरूर जाएंगे फ्यूचर में। हमारे चैनल देखते रहिए, हम जाएंगे वहाँ पे ब्लॉग बनाएंगे, ये पक्का 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 वादा है हमारा आपसे। डेफिनेटली डेफिनेटली। और घूमते घूमते तो वैसे थक गए हम लोग बिकॉज बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, ऑलमोस्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। सो आप लोग भी जब भी आए यहाँ पे एक ही जगह पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर किया कीजिए ताकि टाइम सेव हो और जल्दी से जल्दी आप घूम सके इस पार्क को क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है ये। आपका पूरा पैसा वसूल हो जाएगा, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि हाँ यहाँ पर आने के बाद आपने समय गंवा दिया या फिर आपका टाइम वेस्ट हो गया। नहीं, फैमिली के साथ आइए, मेरी राय यही रहेगी पूरा पैसा वसूल, फैमिली भी आपकी खुश हो जाएगी, छोटे बच्चे हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा, थोड़ी हिस्ट्री जानने को मिलेगी, बहुत अच्छा लगेगा यकीन कीजिए। और आपका यहाँ पे एक वेल टाइम स्पेंड होगा जो कि काफ़ी, आप यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको तो ये है विक्टोरिया पैलेस है, ये तो पता नहीं क्या बट ये आपका विक्टोरिया पैलेस जैसे देख सकते हैं। वाह, ये विक्टोरिया पैलेस सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे, काफ़ी फनी कर रही है। यहाँ पहुँच गए हम हम्पी का टेंपल, आपको याद होगा हम्पी का रथ, सॉरी ये रथ है, आगे हाथी लगे हुए हैं और ये पहिए हैं उसके। हम्पी में अगर आप जाते हैं तो ये पहिए ना इसमें अलग ही नक्काशी की हुई है, बहुत ही शानदार नक्काशी है। मैंने हिस्ट्री में इसके बारे में बहुत पढ़ा है, आपने जरूर पढ़ा पर 10th class की हिस्ट्री में, 9th class की हिस्ट्री में आपको बहुत सी मदद मिली है। Thank you.
सो ये रास्ता सीधा ताजमहल को होते हुए जाता है। और आप ताजमहल आगरा नहीं जाना चाहते हैं, दिल्ली में ही ताजमहल देखना चाहते हैं, तो दो प्लेस है, एक तो ये भारत दर्शन पार्क है और एक आपका है वेस्ट वंडर पार्क, तो वो भी प्लेस भी काफ़ी अच्छी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि देख सकते हो, पढ़ सकते हो, प्रेम का प्रतीक है एक ताजमहल जो कि पहले बताया जाता है, और ये जैसा अभी नया बनाया गया है यहाँ पे जो डिज़ाइन किया है ये उसके बारे में लिखा गया है कि किस किस चीज़ से बनाया गया है। और ये रहा आपका ताजमहल जो यहाँ पे बनाया गया है, काफ़ी अच्छा दिखता है, यहाँ पे आप बैठ के इसका लुफ्त उठा सकते हैं। और दोनों साइड पे ऑल दो बैठने के लिए बनाया गया है। ताजमहल के कुछ अच्छे अच्छे शॉट लिए, वो जरूर हम इस वीडियो का अगर एक छोटा मोटा सिनेमैटिक वीडियो बनाते हैं तो उसमें जरूर डालेंगे, वो जरूर देखिएगा। बहुत स्ट्रगल के बाद फाइनली हम लोगों ने एक क्लिप निकाला वहाँ से, एक तो बहुत मुश्किल है इसको खाली मिलना है, यहाँ पे लोग पब्लिक इतनी आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है। मैंने बैग छोड़ दिया अपना, बैग छोड़ दिया, तो रवि जी अपना बैग वहीं पर छोड़ के चले आए हैं, इतने महान हैं ये। अभी दोस्तों इतना जरूर ध्यान रखें अपने साथ, आप जो भी चीज़ लेकर आएँ उनका ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो आप एक वीडियो बनाने के चक्कर में अपना बैग या फिर अपना मोबाइल या फिर कैमरा भूल जाएं। और अच्छी बात है हम लोग अभी ज़्यादा दूर नहीं गए हैं, रवि को रवि का बैग मिल गया है। हाँ क्या हुआ, मिल गया मेरा बैग, तो बैग की जरूरत नहीं पड़ती क्या, बैग छोड़ दिया हमने, कैमरा उठाया उसके चल दिया, कैमरा लिया और मोबाइल लिया चल रही, लग रहा है कि जरूरत वह जरूरी चीज़ें यही हैं। और जो है मेरे बैग में ही है, मेरा एटीएम है, वॉलेट है, सारा कार्ड, सबसे जरूरी चीज कैमरे की चाबी बैग में ही है, रूम की चाबी बैग में ही है, अगर ये छूट जाता तो हमें बाहर ही सोना पड़ता, ऑब्वियसली रात को ताला तोड़वाना पड़ता, बहुत दिक्कत हो जाती। पर ओ माय गॉड जी, सामने से नज़ारा कितना अच्छा दिख रहा है, और ये विक्टोरिया पैलेस के साथ उसके पीछे का है ना, विक्टोरिया पैलेस बिल्कुल नहीं है, मैसूर पैलेस है, इससे पता चलता है हमारी हिस्ट्री बहुत खराब हो चुकी है। शाही महल मैसूर पैलेस देखिए इसको किस किन चीजों से बनाया गया है। सो गाइस ये है यहाँ का मैसूर पैलेस, जो की देखिए तो काफी बड़ा बनाया गया है, मैसूर पैलेस है भी काफी ज्यादा बड़ा रियलिटी में भी, और दैट्स वाई इसे भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ा बनाया गया है काफ़ी दूर तक। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा सुंदर है ये भी विक्टोरिया पैलेस, इसीलिए हम लोग धोखा खा रहे थे, वरना हमारी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, हमें बिल्कुल सब पता था कि ये पता था मैसूर पैलेस के बारे में, बट ये भी विक्टोरिया पैलेस जैसा ही है। हाँ और ये विक्टोरिया पैलेस के पीछे ही बना है, बिल्कुल अपोजिट साइड में विक्टोरिया पैलेस के साथ पीछे बना है, और यहाँ पे सामने हिरन देख सकते हो, काफ़ी अच्छे अच्छे बनाए गए यहाँ पे बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे उसके अंदर बैठे भी हो कुछ, और तो हम शायद बच्चे होते हैं जाके उसके अंदर बैठ जाते हैं, बैठ कर चलाने का मजा ले सकते हो, बट ये चलेगा नहीं, भी खड़ा रहेगा काफ़ी अच्छा है, वो बच्चे काफ़ी मस्ती भी कर रहे हैं यहाँ पर। और हाँ एक चीज़ आप यहाँ पर नोटिस करेंगे, जो ये मैसूर पैलेस है काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा है अकॉर्डिंग टू द मॉन्यूमेंट, तो काफ़ी अच्छा ये लगता है नज़ारा यहाँ से देखने के लिए। घर परिवार वाले लोग हैं वो जा चुके हैं, हमारे जैसे फालतू लोग जो हैं जिनको घर द्वार से कोई मतलब नहीं है, ना घर पर कोई पूछने वाला है, वो लोग अभी भी बाहर हैं, वीडियो बना रहे हैं, कुछ लोग फोटोशूट कर रहे हैं। अगर आप इंस्टाग्राम रील बनाते हैं या फिर टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं तो आप लोगों के लिए तो ये कसम से जन्नत जगह है, रात में आइए और एकदम आप चांदी चांदी हो जाएगी। थैंक यू, आप मुझे बाद में कह सकते हैं। लाइट जलते यहाँ पे, मतलब जो खूबसूरती होती है एक्चुअली यहाँ पे, जो दिल्ली की होल दिल्ली की जो खूबसूरती है वो नाइट में आपको देखने मिलती है, हैदराबाद के चार मीनार पे जो की हैदराबाद में, बट आपको हम यहाँ पे दिल्ली में दिखाएंगे, क्या बात है, आइए स्वागत है आपका चार मीनार में।
ये बात इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये इसकी जो खूबसूरती है एकदम ब्रेथ टेकिंग है, मजा आ जाएगा। चार मीनार के बारे में हिस्ट्री अगर आप जानना चाहें तो हैदराबाद की कह सकते हैं ये पहचान है चार मीनार। इसका मैं फोटो क्लिक करके डाल दूंगा। अगेन इसको बनाया गया है नट बोल्ट शीट बेयरिंग गियरिंग लोहे की रॉड इलेक्ट्रिक पोल पाइप्स इन सब की मदद से, टायर रिम्स, कैसी चीज़ें जिनका कि आप सोच भी नहीं सकते कि दोबारा में इस्तेमाल हो सकता है, इस्तेमाल करके इस खूबसूरत इमारत को बनाया गया। अच्छी बात है यहाँ पर काफ़ी सारी ग्रीनरी भी है, दिन में भी आते हैं अगर धूप हो उसमें भी आपको यहाँ पर काफ़ी राहत रहेगी। आप देख सकते हैं आसपास कितने सारे पेड़ लगाए गए हैं इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, बहुत ही मस्त जगह है। और बैकग्राउंड में आपको एक थीम सॉन्ग चलता रहेगा, कोई हल्का सा प्यारा सा म्यूजिक धीरे धीरे चलता हुआ मिल जाएगा जो कि उस जगह की थीम को मैच करता हो, तो ये सबसे अच्छी बात है। आइए अब अगली जगह पर चलते हैं। सो आगे हम दिखाएंगे आपको कोनार्क टेम्पल जो कि साउथ में है, इंडिया और यहाँ पे नहीं है, नॉर्थ इंडिया में तो नॉर्थ इंडिया है ना, नॉर्थ इंडिया में तो नहीं है, बट आपको साउथ इंडिया में जाएंगे तो आपको कोनार्क टेम्पल देखने को मिल जाएगा। और हम आपको नॉर्थ इंडिया में भी दिखाएंगे, सो ये देख सकते हो आप पीछे की तरफ हमारे, तो कोनार्क टेम्पल में आपका स्वागत है। टेम्पल है, टेम्पल में एक चीज का बहुत ध्यान रखा गया है और वो है घंटी का, जब भी आप यहाँ आए घंटी बजाएं। और भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा घंटी बजाना बिकॉज़ कोविड टाइम चल रहा है, कुछ भी नहीं बजा रहे हैं, कोविड टाइम बज रहा है चल रहा है, पर मैंने देखा कि हमें छोड़ के कोई और घंटी नहीं बजा रहा है, तो हम काफी हद तक सेफ है, हाथ को सैनिटाइज कर लेंगे, शायद इसीलिए इन्वेंशन किया गया है कि हाथ सैनिटाइज करते रहे, ये चीज़ यहाँ पर बताई भी गई है, कितना भी बचने की कोशिश कीजिए थोड़े बहुत कीटाणु तो आपको लग ही जाएंगे। ये अजंता और एलोरा का गुफा जो कि पहाड़ों और चट्टानों को काट के बनाया गया है, और सामने देखोगे आप यहाँ पे एक बहुत ही बुकी है ना, क्या बात है, मैटिंग कलर, भगवान बुद्ध की सोती हुई मूर्ति, शब्द नहीं है बताने के लिए कितना मस्त है। अंदर भी आप देखिए नट बोल्ट गियर से कितनी अच्छी भगवान जी की यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है, करीब से देखिए सारा स्क्रैप मेटल है, ये पूरी तरीके से जो वेस्ट लोहे की चीज़ें हो जाती हैं उनका इस्तेमाल करके बनाया है। साइड में जो भगवान जी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं उनको भी पूरी तरीके से एकदम सेम बनाने की कोशिश की गई है, डिटेल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। आप अंदर वाली मूर्ति को देखिए, वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको दिखाई देगा किस तरीके से उनकी बॉडी बनाई गई है, पिलर्स किस तरीके से बनाए गए हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे स्टैच चीजों से ही बनाए गए हैं, फ्लावर्स भी लगाए गए हैं जो कि नेचुरल है। एक चीज़ तो है, अगर आप यहाँ पर आ पाएंगे तो आपका मन तो नहीं भरने वाला है ये जगह देख देख करके, वाकई में टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, जगह बड़ी है देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और टाइम बहुत कम है। और एक छोटा सा यहाँ पे हाथी बनाया गया है व्यूअर्स का नट बोल्ट्स का इस्तेमाल करके, शायद हम लोग एंडिंग पॉइंट आ चुका है, मुझे लग रहा है कि हाँ ये एग्जिट गेट पे हम पहुँच ही चुके हैं। और ऑन फुट नहीं चलना चाहते हैं, मे बी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पीछे जा रही है देख सकते हो, आप इसे रेंट कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये बहुत अच्छी आप पूरे पार्क का मजा ले सकते हैं बिकॉज ये काफ़ी बड़ा है, तो ऑब्वियसली अगर सभी लोग अगर चलने के लिए चलने में अगर कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली आप उसे रेंट कर सकते हैं इस कार को। ऐसा होता है ना क्योंकि ये जगह काफ़ी बड़ी है, पेरेंट्स आते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग आते हैं, उनको जरूर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो उनके लिए भी ध्यान रखा जाए। और यहाँ पर आपको मिल जाती है ये गुड़िया और छोटा बच्चा खेलेगा भी इसके साथ, मतलब बाल देखिए इसके स्प्रिंग से बनाए गए हैं,
तो दोस्तों हम लोग अब आखिरी स्टेप पर पहुंच चुके हैं यहाँ से, इसके बाद अब कुछ नहीं है। सो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी एंड और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो एंड ब्लॉग्स देखना हो, रेगुलर अपडेट रहना हो आपको, तो डेफिनेटली हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बस इस वीडियोस में इतना ही, और मिलते हैं आपसे दोबारा जल्द ही नए ब्लॉग के साथ। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, दोस्तों का ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए और मस्त रहिए। बाय बाय, गुड नाइट।